गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करूंगी। बायोडाइवर्सिटी में व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th की एनसीईआरटी में, बायो में भी आता है, नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। मैंने वो क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो नीट में आए हुए हैं। और ये बीएससी, बीटेक, बीबीए, बैचलर्स के सभी कोर्सों में मोस्टली पूछा जाता है, ईवीएस में आता है इसमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग ढंग से सुनिए। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी इन देयर लाइफ स्टाइल्स। सिंपल बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है बायो मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी लिविंग बींग्स, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स इन देयर लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स इन देयर लाइफ स्टाइल। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन एंड अदर लिविंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम एंड कैन एनकम्पास द इवोल्यूशनरी, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ। ठीक है, लाइफ के बारे में जो इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली स्पीसीज वी कंसिडर रेयर, थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड। ये एक एक टर्म को मैं अभी डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्लास से लास्ट तक देखते रहना आप, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को तो तुम लोग इसे नोट्स को देख के इसे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। बट ऑल्सो एवरी लिविंग थिंग्स फॉर्म ह्यूमन टू ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर 1 इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, वेराइटी डिपेंड ऑन द डिपेंड अपॉन द जीन्स, यानी कि जो हमारा जीन्स का मतलब डीएनए, जो बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल होता है, तो डीएनए जो बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, तो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि जीन्स पे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी फर्स्ट हो गया, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होगी वो हम लैब में ही देख सकते हैं, एक चीज ध्यान रखना। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम वाई मतलब आईज के द्वारा जीन्स को नहीं चेक कर सकते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है टिपिकली फोकस ऑन स्पीसीज, तो स्पीसीज की वैरायटीज तो हम आईज द्वारा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजली डिटेक्टिव होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डील्स विद द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी पैटर्न। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी पैटर्न से उस पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो 3 टाइप के लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। मोस्टली एग्जाम में पूछता है हाउ मेनी टाइप ऑफ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देर आर 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 1 इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिपेंड्स अपॉन द जीन्स एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, मोस्टली फोकस ऑन द स्पीसीज। एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बेसिकली बेस्ड ऑन द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी पैटर्न। वाई इट इज द बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। वी वैल्यू बायोडाइवर्सिटी फॉर मेनी रीजन, सम यूटिलिटेरियन एंड सम इंटेंसिव। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन एंड इंटेंसिव वर्ड को मैंने अभी डिफाइन किया हुआ है। दिस मीन्स वी वैल्यू बायोडाइवर्सिटी बोथ फॉर वॉट इट प्रोवाइड्स टू ह्यूमन। बायोडाइवर्सिटी इट प्रोवाइड्स टू ह्यूमन कॉल्ड एज यूटिलिटेरियन, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ इट हैज इट्स ओन राइट एंड इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो दोनों टाइप की यूटिलिटेरियन वैल्यूज इंक्लूड द मेनी बेसिक नीड्स ह्यूमन ऑब्टेन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी सच एज फूड, फ्यूल, शेल्टर एंड मेडिसिन। फर्दर इकोसिस्टम प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज सच एज पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट। ये सभी भी यूटिलिटेरियन वैल्यूज में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो होल्ड्स फॉर द पोटेंशियल बेनिफिट्स नॉट एट रिकॉग्नाइज सच एज न्यू मेडिसिन एंड अदर पॉसिबल अननोन सर्विसेज। उसमें भी मेडिसिन में, ड्रग इंडस्ट्री में भी बायोडाइवर्सिटी का यूज होता है। द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द इनहेरेंट वर्थ। इनहेरेंट वर्थ मीन्स जो अपने आप में ही उनकी वैल्यू है, विच इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू टू एनी वन और एनी थिंग एल्स, विच कैन बी एज इंटेंजेबल राइट टू एग्जिस्ट। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की मेनली 2 टाइप की वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये मतलब बीटेक के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटेक में, बीबी के बच्चों के लिए, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, जिससे तुम लोग को ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, इसको आप अंदर अपना कितना भी लिख सकते हो, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी, व्हाई इट इज वैल्यूएबल, डायरेक्ट वैल्यूज एंड इनडायरेक्ट वैल्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, डायरेक्ट वैल्यूज दोज बी ऑब्टेंड डायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज दोज बी ऑब्टेंड बाय द इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वैल्यूज या टू टाइप्स की डायरेक्ट वैल्यूज है, नंबर वन इज द कंजम्प्टिड और नंबर टू है प्रोडक्टिव, कंजम्प्टिड एंड प्रोजेक्टिव, ठीक है। कंजम्प्टिड का मतलब कि हम डायरेक्ट वैल्यूज को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड प्रोडक्टिव का वैल्यू के मतलब हम उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन वी कैन कंज्यूम इट, ठीक है। तो कंज्यूमटिव में मतलब फूड है, फ्यूल है, ड्रग्स एंड मेडिसिन है, डायरेक्ट हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो फूड भी डायरेक्ट मिल रहा है, फ्यूल भी डायरेक्ट मिल रहा है, ड्रग्स एंड मेडिसिन को डायरेक्ट हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कंजम्पशन यूज ऑफ वैल्यू डायरेक्ट वैल्यूज। एंड प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यूज की हमने जैसे वुड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुड से टेक्सटाइल बनाया और स्किन से हमने लेदर बनाया, सिल्क बनाया, उसी से पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज है, ये सारे सभी क्या है कि हमने पहले इसको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो है लेकिन हमने इसको प्रोडक्शन यूनिट बना के इसको चेंज किया है, उसको मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो ये सभी प्रोडक्टिव वेज वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। एक कंजम्पटिव वेज वैल्यूज एंड प्रोडक्टिव वेज वैल्यूज को आराम से हम लिख देंगे। इनडायरेक्ट वैल्यूज में पांच टाइप की है, नंबर वन इज द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज क्या, नंबर टू पे एथिकल वैल्यूज, नंबर थ्री पे एस्थेटिक वैल्यूज एंड नंबर फोर पे ऑप्शनल वैल्यूज एंड नंबर फाइव पे एनवायरमेंटल सर्विसेज, ठीक है। तो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज में क्या है, इनडायरेक्ट वैल्यूज में जैसे कि हम प्लांट्स में तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इसको हम पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। काऊ है, स्नेक है, इसकी हम वर्शिप करते हैं, तो ये हमारे सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज है कि हम प्लांट्स को, एनिमल्स को एज ए वर्शिप में लेते हैं। एथिकल वैल्यूज क्या है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स सबको हम मोरल वैल्यूज देते हैं, उनकी भी लाइफ है, उनको भी हम ढंग से रखना है। एस्थेटिक वैल्यूज में क्या है कि हम कुछ प्लांट्स को एज ए एस्थेटिक यानी कि उसको डेकोरेटेशन के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शनल वैल्यूज में कुछ भी आ सकते हैं, जो इसके अपार्ट फ्रॉम होंगे वो सब ऑप्शनल में है। एनवायरमेंटल सर्विसेज वैल्यूज, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल देते हैं, और भी बहुत सारी एनवायरमेंटल वैल्यूज मोस्टली प्लांट से ही मिलती हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज दोनों को अच्छे से डिफाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन मैं लिख दे रही हूँ इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मेनली क्या होता है, वो पर्टिकुलर रीजन है जहां पर पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, और बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए बिब्लियोग्राफिक बायोजियोग्राफिक रीजन विथ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी दैट इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। Means biodiversity hotspot is the biogeographic region with significant reservoir of biodiversity that is threatened by human habitation. India is the one of the richest country in the world in terms of biodiversity. क्योंकि जितने भी biodiversity total world में 34 biodiversity है, उसमें से 2 biodiversity जो है वो India में है, ठीक है। टोटल वर्ल्ड में 34 बायोडायवर्सिटी है, उसमें से 2 बायोडायवर्सिटी इंडिया में है, तो इंडिया इज द रिचेस्ट इन बायोडायवर्सिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो बायोडायवर्सिटी टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने दिया था, नॉर्मन मेयर, ये जो इनकी जो बॉटनिस्ट है इनका नाम है नॉर्मन मायर्स गिव्स दिस टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन ए पेपर पब्लिश इन द जर्नल नेचर। द हॉट स्पॉट represents an opportunity to help conserve the diversity of life on earth. Biodiversity hotspot in India, ये भी important है क्योंकि ये तो हमने general term बता दिया, और biodiversity hotspot in India की अगर हम बात करेंगे इस पर भी short note लिखने को आता है, write short note on the biodiversity hotspot in India. तो India में मैंने अभी बताया कि 34 total biodiversity है पूरे world में, India में कितनी biodiversity है, 2 biodiversity in the India. इंडिया में 2 बायोडायवर्सिटी, नंबर वन इज द वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, और नंबर टू पे द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो 2 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, द वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स हाई रेनफॉल स्टेट्स इंक्लूड्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। स्टेट्स इसमें देर आर ओवर 6,000 वैस्कुलर प्लांट्स,
एंड 3000 आर एंडेमिक एंडेमिक स्पीसीज बिलोंगिंग टू ओवर 2500 जेनस, ठीक है, स्पीसीज में आ जाएंगे। द ईस्टर्न हिमालय रीजन एनकम्पेसिंग भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड नेपाल, इट इज नियरली 163 ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूडिंग 45 मेमल्स, 50 बर्ड्स, 17 रेप्टाइल्स, 12 एम्फीबियंस एंड 3 इनवर्टिब्रेट्स एंड 36 प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न हिमालय, इन दोनों को लिखना होगा। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के थ्रेट्स क्या है, बायोडायवर्सिटी किस तरह थ्रेटेंड है। मेजर डायरेक्ट थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी इंक्लूड हैबिटेट लॉस, बायोडायवर्सिटी में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, उसका हैबिटेट लॉस हो जाता है एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, अनसस्टेनेबली रिसोर्सेज यूज है, इनवेजिव स्पीसीज है, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं। द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस सच एज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ओवर कंजम्पशन आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड स्टेम फ्रॉम मेनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजम्पशन भी ये फैक्टर्स में आता है। द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द लास्ट डिकेड्स हैव मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ बायोडायवर्सिटी टुडे, ओवर 1 लाख प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेज्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प कीप डिफोरेस्टेशन इन चेक्स, ठीक है, इस तरह इसको मैनेज भी कर सकते हैं। थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी नेचुरल कॉजेज भी होते हैं एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज, नेचुरल कॉजेज नंबर वन पे नेचुरल कॉजेज है, दूसरा क्या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, एंथ्रोपो वर्ड जहां भी एंथ्रोपो वर्ड आता है तो उसका मतलब है ह्यूमन बींग द्वारा, ठीक है, मैन मैन के द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा। तो नेचुरल कॉजेस क्या है, नैरो जोग्राफिकल एरिया की वजह से बायोडायवर्सिटी चेंज होते हैं, थ्रेट्स हो जाते हैं, लो पॉपुलेशन, लो ब्रीडिंग रेट उनकी जो डायवर्सिटी स्पीसीज की है, एंड नेचुरल डिजास्टर को जैसे जो भी प्लांट एनिमल की स्पीसीज है वो थ्रेट्स में आ गए। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में हैबिटेट मॉडिफिकेशन, हैबिटेट मॉडिफिकेशन में चेंज होता है, वो इस अपने दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं इसलिए उनका चेंज हो जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज, कुछ स्पीसीज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज में आ जाती हैं। इनोवेशन बाय एग्जॉटिक स्पीसीज, कुछ स्पीसीज का इनोवेशन भी होता है, उसकी हाइब्रिड स्पीसीज बनाते हैं या उसको दूसरी जगह ग्रोथ करते हैं, तो ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है। थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी बाई चेंजिंग द नेचुरल हैबिटेट, नंबर फर्स्ट पे हम लिख देंगे नेचुरल हैबिटेट्स के चेंज की वजह से, लैंड डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी है। हंटिंग स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन, हंटिंग की वजह से भी स्पीसीज सारी एक्सटिंक्शन में होती है, तो हंटिंग की वजह से फूड नहीं मिलेगा, पेस्ट नहीं होंगे। इंट्रोड्यूसिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स इनटू फूड वेव्स, पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन स्पीसीज इनटू न्यू एनवायरमेंटल इनवेजिव स्पीसीज आ जाएंगे इसमें। ये चार्ट भी फ्लो चार्ट है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जो भी स्पीसीज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड जोन में उनको एक्सटिंक्ट होने से हम बचाएं, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही, तो हमें एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत इसेंशियल है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी इसेंशियल बिकॉज कि बायोडायवर्सिटी से क्या, बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रही है, तो हमें एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दो टाइप का होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू की मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर रिजर्वायर है, उसी में उसका कंजर्वेशन करेंगे। एक्स सीटू का मतलब उसको आउटर एटमोसफियर में उसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। इसका इनर एटमोसफियर में कंजर्व करेंगे, उसको आउटर एटमोसफियर में उसको कंजर्व करेंगे। तो इन सीटू में प्रोटेक्टेड एरिया में, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं जिसमें बर्ड्स को रखते हैं, टेरेस्ट्रियल्स हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं, मैराइंस में जिसमें एनिमल्स को रखते हैं, तो ये सभी इन सीटू में, तो इसमें पर्टिकुलर हैबिटेट के हिसाब से उन्हीं एनिमल्स को हम रखते हैं। एक्स सीटू में क्या है कि एक्स सीटू में हमने उन हैबिटेट्स में से उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को निकाल के दूसरी जगह पे हम रखते हैं, जैसे कि सीड बैंक है। सीड बैंक में क्या है कि हमने बहुत सारे प्लांट सीड्स को रख लिया, प्रिजर्व कर लिया, तो एक्स सीटू हो गया, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन है, फील्ड जीन बैंक है, सेक्रेट प्लांट है, होम गार्डन है,
आर्बोरेटा है, बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, एक्वेरिया है, ये सब एक्सटू में आते हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंट बाहर से एटमोसफेयर इनको देख के फिर इनको हम उनकी लाइफ को सस्टेन कराते हैं। अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज एंडेमिक स्पीसीज। व्हाट इज द एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव स्पीसीज, जो उसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है। ठीक है, सबसे मेन तुम ये ध्यान रखो, एंडेमिक का मतलब नेटिव स्पीसीज, दो स्पीसीज विच लिव्स इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्ट होती है। तो स्पीसीज इज एंडेमिक इफ इट ओनली अकर्स विद इन ए लिमिटेड रिलेटिवली स्मॉल एरिया सच एज सिंगल आइसलैंड माउंटेन रेंज और फॉरेस्ट। देर आर टू वेज इन विच ए स्पीसीज में बिकम एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर एरिया, पैलियो एंडेमिक स्पीसीज एंड न्यू एंडेमिक स्पीसीज। पैलियो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीसीज है वो वहाँ पर रह रही, तो वो पैलियो एंडेमिक स्पीसीज होगी। न्यू एंडेमिक स्पीसीज में क्या, सपोज उसकी पॉपुलेशन दो तीन पॉपुलेशन, उसकी जो भी पॉपुलेशन है, और किसी भी तरह कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई प्लेटिक कुछ हो जाता है, तो कंटिनेंट चेंज होते हैं, जगह चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से वो एक पॉपुलेशन उधर हो जाती है, एक पॉपुलेशन उधर हो जाती है, तो चेंज होने की वजह से न्यू एंडेमिक स्पीसीज बोल देते हैं उसको। तो एग्जाम्पल्स है ऑल द लेमर स्पीसीज दैट कैन ओनली बी फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ मैडागास्कर, ये एंडेमिक स्पीसीज की एग्जाम्पल है। बर्ड्स माउस लेमर विच कैन ओनली बी डिस्कवर्ड इन 2000 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो जो लेमर है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेमर का नाम है बर्थ माउस लेमर, मेडागास्कर आइसलैंड में पाया जाता है। विद ए बॉडी लेंथ ऑफ ओनली 9 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ अराउंड 30 ग्राम, तो ये एंडेमिक है, यानी उसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा, ये नहीं कि अपने इंडिया में भी है और सब जगह पाया जा रहा है। क्वीन एलेक्जेंड्रिया वर्ड विंग इज अनदर एग्जाम्पल फाउंड ओनली इन पपिया न्यूगिनी। ठीक है, पपिया न्यूगिनी में ये क्वीन एलेक्जेंड्रिया नाम की बटरफ्लाई है। इट इज द लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई इन द वर्ल्ड, ये देखो कम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई इन द वर्ल्ड, क्वीन एलेक्जेंड्रिया वर्ड विंग। विद ए विंग स्पैन ऑफ 28 सेंटीमीटर इट कैटरपिलर्स रिलाई ऑन अ सिंगल प्लांट स्पीसीज फॉर फूड, वन दैट इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट, की वजह से थ्रेटन्ड हो जाती है। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज क्या होती है, रेयर स्पीसीज दैट इज डिफिकल्ट टू बी फाउंड ऑब्जर्व और रिकॉर्डेड। ठीक है, वो रेयर है क्योंकि बहुत ही मुश्किल है उनका, जब नियर फ्यूचर में वो एक्सटेंट होने वाले हैं, इसलिए डिफिकल्ट टू बी फाउंड ऑब्जर्व और रिकॉर्डेड। दीज स्पीसीज माइट बी फाउंड इन ए वेरी स्मॉल रेंज हैबिटेट्स विद लिमिटेड एसेसिबिलिटी। ठीक है, तो उनके हैबिटेट भी बहुत लिमिटेड स्पेस में। स्पीसीज दोज आर नॉट एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड जोन में भी नहीं है और वल्नरेबल भी नहीं है। ठीक है, वल्नरेबल एंडेंजर्ड बर्ड को भी मैं डिस्कस करती हूँ, बट एट ए रिस्क ऑफ कैटेगराइज द रेयर स्पीसीज। दीज स्पीसीज आर यूजली लोकलाइज्ड व्हेन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सो दे आर इजली कॉल्ड एज एंडेमिक। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही लोकलाइज होती है, तो इसकी स्पीसीज को हम एंडेमिक भी बोल देते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज, एन एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट इज वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, वो एक्सटिंक्ट होने वाली, खत्म होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, आइदर वर्ल्ड वाइड और इन ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल जुडक्शन। ठीक है, अ स्पीसीज सेट टू बी एंडेंजर्ड व्हेन इट्स नंबर इज रिड्यूस्ड, ये ध्यान रखना है, स्पीसीज सेट व्हेन इट्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू ए सर्टेन लेवल और हुज हैबिटेट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, उसका नंबर भी रिड्यूस्ड हो रहा है और उस स्पीसीज के हैबिटेट भी रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडेंजर्ड जोन में। वो स्पीसीज किस जोन में हो गई, एंडेंजर्ड जोन में। एंडेंजर्ड स्पीसीज मे बी अ रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड इनवेजिव स्पीसीज। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, IUCN। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं। IUCN पब्लिश द रेड डाटा बुक, कौन सी बुक, IUCN कौन सी डाटा बुक पब्लिश करता है, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक में क्या, विच इंक्लूड्स द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पब्लिश द रेड डाटा बुक विच इंक्लूड्स द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक ऑफ IUCN देर आर 47 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इंडिया के पास 47 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मोस्ट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन स्पीसीज इन मेमर्स। द स्पीसीज दैट आर करेंटली मोस्ट एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन आर द लाइट टाइगर है, एशियन राइनोसोर्स है, हिमालयन वॉल्फ है, स्लॉथ बियर है, स्ट्राइप्ड हाइना है, एंड द ग्रेट एप्स लाइक गोरिल्लास, चिंपैंजी एंड ऑरंगुटांस।
इन बर्ड्स में साइबेरियन क्रेन्स है, फॉरेस्ट आउलेट है एंड रेड हेडेड वल्चर। एम्फीबियंस में व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग है, टाइगर टोड है। रेप्टाइल्स में घड़ियाल, ग्रीन सी टर्टल एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारी कैसे स्पीसीज है, एंडेंजर्ड है, द मोस्ट थ्रेटेंड विथ एंड विद एक्सटिंक्ट स्पीसीज, बहुत जल्दी थ्रेटेंड स्पीसीज और बहुत जल्दी जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है। द IUCN डिफाइंस ऑल स्पीसीज दैट आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज थ्रेटेंड इन स्टेट ऑफ एंडेंजर। दे फर्दर ब्रेक थ्रेटेंड और टू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज को हमने तीन कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है। नंबर फर्स्ट इज द वल्नरेबल, सेकेंड इज द एंडेंजर्ड एंड थर्ड इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो वल्नरेबल वो होती है जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती है। नियर फ्यूचर हेयर एक्चुअली कैन बी एज लॉन्ग एज हाफ सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो सकती है, बट एंडेंजर्ड वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उससे भी जल्दी एक्सटिंक्शन के रिस्क में है। इन द इमीडिएट फ्यूचर प्रोबेबली लेस देन टू डेकेड्स, 20 साल के अंदर ही ये एंडेंजर्ड जो, बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड आर दोज स्पीसीज एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन ऑफ इमीडिएट एक्सटिंक्शन वेरी सून, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो IUCN ने तीन टाइप से थ्रेटेंड स्पीसीज को कैटेगराइज किया। क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वो जो कमिंग ईयर्स में बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एंडेंजर्ड 2 डेकेड्स में हो जाएंगे एंड वल्नरेबल 50 ईयर्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जायंट पांडा वॉज एंडेंजर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम्स अंटिल वेरी रिसेंटली कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव इम्प्रूव इट्स पॉपुलेशन एंड इट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल। ठीक है, तो पहले जो जायंट पांडा था एंडेंजर्ड जोन में था, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से अब ये वल्नरेबल में आ गया, अ स्टेप अवे फ्रॉम द स्टेशन, अब ये एक्सटिंक्शन से थोड़ा स्टेप अवे हो गया। सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन स्टिल बी रादर न्यूमरस इन देयर नेटिव रेंज सच एज क्रिसमस फ्रिगेटेड बर्ड एंड एंडेंजर्ड अटलांटिक ब्लूफिन टूना विच इज स्टिल रीजनेबली एबंडेंट, बट बोथ हैज एन अलार्मिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इन पॉपुलेशन। डाउन पॉपुलेशन उनकी दोनों की घट रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बस लास्ट टॉपिक है बेटा, प्लीज लास्ट तक सुनते रहना, ये इंपॉर्टेंट 10 या 12 क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, जरूर देखना सुनना। फॉलोइंग स्टेप्स कैन कंजर्व द फॉरेस्ट कवर, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, हंटिंग एंड पोचिंग शुड बी बैंड, ऑल ऑफ दैम। तो आंसर क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर के लिए क्या होगा, तीनों चीजें जरूरी है, तो ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है द स्पीसीज विच ऑक्यूपाई न्यू टेरिटरी ऑफ, इसका आंसर डी। द स्पीसीज विच ऑक्यूपाई न्यू टेरिटरी ऑफन सप्लांटिंग नेटिव स्पीसीज बाई ऑक्यूपाइंग देयर निके आर कॉल्ड इनवेजिव स्पीसीज। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनवेजिव स्पीसीज है जो न्यू टेरिटरी में आ जाती है, ऑफन सप्लांटिंग नेटिव स्पीसीज, और नेटिव स्पीसीज को सप्लांट करती हैं। ठीक है, उनको ढंग से रहने नहीं देंगी, ऑक्यूपाइंग देयर निके और उसके जो भी एटमोसफेयर है, उनका लाइफ स्टाइल, उसमें आके वो रहने लगती है। तो इसलिए इन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, इनवेजिव स्पीसीज। इनवेजिव का अर्थ होता है हिंदी में आक्रमणकारी स्पीसीज। इन द पास्ट विच फैक्टर्स वुड हैव कॉज्ड ए मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 3। Which factors would have caused a mass extinction of species? Mass extinction of species कौन कौन से factors के लिए responsible होते हैं? तो mass extinction of species के लिए temperature fluctuation, meteorite asteroid hitting the planet, emission of lethal hydrogen sulfide from the sea, the outburst of gamma radiation, supernova, nova and plate tectonics. ठीक है, तो ये 4 points है, ये हम mass extinction of species के लिए responsible है। डोडो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। एक डोडो और एक है पैसेंजर पिजन्स, पैसेंजर पिजन्स भी है जो एक्सटिंक्ट हो गई है स्पीसीज, दोनों स्पीसीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट है। द डोडो इज द एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीसीज, इट वॉज एंडेमिक टू द आइसलैंड ऑफ मॉरिशस एंड इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन द 17th सेंचुरी एज रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के वास्ट डाइवर्सिटी के पीछे व्हाट इज द रीजन, इट कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। मेनली क्या है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स सॉइल स्ट्रक्चर्स सच एज रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट्स एंड कोरल रीफ्स एक्स्ट्रा,
देयर बाय रिजल्टिंग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी हमारे यहाँ एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद डाइवर्सिटी। सो इट इज अ वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडियन इकोलॉजी। हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन बी डिक्लाइन बाय 30% सोली थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हम किस तरह इसके रेट को हम कैसे डिक्लाइन कर सकते हैं। हॉटस्पॉट्स आर स्पीसीज रिच, मैंने पहले बताया था हॉटस्पॉट्स मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज है। प्रिसिसली दोज अंडर द ह्यूमन थ्रेट, हेंस प्रोटेक्टिंग देम कैन सिग्निफिकेंट डिक्रीज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो हम उनको कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो हम उसको रेट ऑफ एक्सटिंक्शन उसका सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है। दे कैन बी प्रिजर्व्ड एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में यानी इन सिटू में हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इन सिटू में ही है ना, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन सिटू प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में आता है। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एग्जॉटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो उसी नेटिव एरिया पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। एग्जॉटिक स्पीसीज वो हैं जो दूसरे एरिया से आई हुई हैं। एग्जॉटिक स्पीसीज आर ड्राइव इन द जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम अनदर जोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, दूसरी जोग्राफिकल एरिया से आए हुए हैं। व्हेयरएज एंडेमिक स्पीसीज आर नेटिव स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी मैंने 3 लेवल ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ाए थे, जीन डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया आर रिफर्ड टू एज स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेयर एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द रॉल्फिया वोमिटोरिया प्लांट। एक प्लांट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। दिस प्लांट इज अ सोर्स ऑफ ड्रग रेस्पिराइन, इससे प्रोड्यूस होता है विच सर्व्स एज अ ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर की तरह वर्क करता है, रेस्पिराइन कौन देता है, ये प्लांट देता है। क्वेश्चन नंबर, डिफाइन द रेड डाटा बुक। क्वेश्चन मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था, रेड डाटा बुक इट इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डाटा ऑफ स्पीसीज विद द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मेंटेन बाय द IUCN। IUCN ने जो रेड डाटा बुक बनाई जिसमें जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द टर्म IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज द बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड एंडेमिज्म। ठीक है, इट इज द यूज टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बेसिस द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो उसको बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्ट। एंड एंडेमिज्म क्या है, एंडेमिक एट्रीब्यूट्स टू द स्पीसीज दैट आर यूनिक टू अ स्पेसिफिक रीजन Only they are not found anywhere else. तो इसको हम कहेंगे endemism, यानी वो particular उसी area का है, उसी native place की है। Biodiversity is the source of variation at the level of genetic species ecosystem. तीनों level आएंगे, तो all of the above इसका answer हो गया। Thank you बच्चों, have a nice day. Video को जरूर देखते रहना और like और subscribe करते रहना। Thank you बच्चों।